लेकिन आप कह रहे हैं कि 26 साल पहले का जो पुराना इतिहास है, जिस तरह से आज मोदी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ये लोग एनडी गैंग बना रहे हैं, उसी तरह अटल जी के खिलाफ बनाए और उस समय भी जूते में दाल बटी। जरा उस कहानी को, उस रोचक फैक्ट को समझाइए। हाँ, दर्शकों को बड़ी रोचक है। और वो जो जब जब हिंदुत्व के खिलाफ एक होते तो इसी तरह से जूते में दाल बांटते हुए एक होते हैं। जूते में दाल बांटते उसके बाद क्या होता है वो एक अलग इतिहास है। मनीष जी, 27 मई 1998, ये आज का नौटंकी नहीं है। और जब हम लोग जून 2023 में, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था, जो हम लोग के नियमित दर्शक जानते हैं, कि कहीं मैं अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा रहा था। जून में इनकी पहली बैठक हो रही थी, हम लोग कह रहे थे कि इसमें जूते में दाल बटेगी, धूमधाम से बटेगी। वही हुआ, क्योंकि मैं इनका 30-40 साल का इतिहास आज बताता हूँ, उसमें खासकर अभी 26 साल पुराना इतिहास। ये सुधर ही नहीं सकते, कुत्ते की दुम की तरह ये हमेशा टेढ़े रहेंगे। 27 मई 1998 मनीष जी, जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल जी की, तो अविश्वास प्रस्ताव था। जब वो प्रस्तुत हुआ तो CPIM, CPI और कांग्रेस एक हो गए, कहने अब हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे और इनकी अटल जी की सरकार को गिरा देंगे। बहस होना शुरू हुई, दुनिया भर की गाली गलौज इन्होंने करी, सांप्रदायिकता और हिंदुत्व इन्होंने कई कई मील लंबे भाषण दिए सब में। उसके बाद खड़े हुए जॉर्ज फर्नांडिस, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मैंने सबको सुना और ये हम बड़े इन्होंने हमले किए, तो मैं जरा एक किताब पढ़ता हूँ। और मैं अभी लेखक का नाम बाद में बताऊंगा, मैं बता दूं कि किताब में लिखा क्या है। तो मनीष जी, जो फर्नांडिस ने किताब पढ़ना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मजबूत संगठन का कांग्रेस पार्टी पर कहना क्या है। और ये बोलकर उन्होंने किताब निकाली, उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू की। जरा अब जरा दर्शक ने ध्यान से सुने कि उस किताब में लिखा क्या था। और जब जॉर्ज फर्नांडिस ने वो पढ़ना शुरू की तो कई बार कांग्रेसी कूदे, कई बार बताओ बताओ नाम नाम बताओ, किताब किसकी है, किसने लिखी है। और वो जो सस्पेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है मनीष जी, वो सस्पेंस, उस किताब का लेखक कौन था, ये बड़ा गजब का है। पहले जरा दर्शक सुन ले, और ये सदन के अंदर की घटना है, रिकॉर्डेड है। और बता दूंगा कि YouTube पे आपको वीडियो भी पड़ा, जो दर्शक इंटरेस्टेड हो वो आप जॉर्ज फर्नांडिस का 27 मई 1996 का, अंग्रेजी में है इसलिए मैंने डाला नहीं उसको, वो पूरा भाषण आप सुन सकते हैं। तो उन्होंने जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो मनीष जी उस किताब जो पन्ना उन्होंने पढ़ना शुरू किया उस पर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का स्रोत है। तो कांग्रेस चिल्लाने लगे, कांग्रेस चले गए, अंग्रेज चले गए और कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह ले ली है। पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये उस किताब में लिखा था। कांग्रेस के मंत्री अक्सर अपने शासनकाल के दौरान मुंद्रा घोटाला, चुरहट लॉटरी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सुखराम घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड घोटाला, हवाला सहित कई घोटालों में फंसे पाए गए हैं। कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र की हर संस्था को भ्रष्ट किया है और उसका दुरुपयोग किया है। इतना कहते ही सब कांग्रेसी और CPI चिल्ला रहे, कौन किताब, कौन सी किताब है, लेखक का नाम बताओ। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा अभी बताते हैं, पहले सुन तो लोग उसमें लिखा क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया कि क्या, कृपया अधीर रहो, मैं निश्चित रूप से स्रोत का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह पूरा कर लेने दीजिए दीजिए कि इसमें लिखा क्या है। इसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड भी खराब है, खराब हो गया है। इतिहास में विभिन्न समयों पर कांग्रेसी गुंडों ने दंगों में सक्रिय भाग लिया और लोगों की हत्या की। दिल्ली की सड़कों पर उनके द्वारा 300 सिखों की हत्या कर दी गई और प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसे चुपचाप देखते रहे। आगे उन्होंने कहा कि बस मुझे 2 मिनट और दीजिए और फिर स्रोत का खुलासा करूंगा। उन्होंने पुस्तक पढ़ना जारी रखा। अध्यक्ष महोदय, कहता है कि इतिहास में कोई भी देश कभी खराब शासन और अत्यधिक भ्रष्टाचार के साथ प्रगति नहीं कर पाया है, कोई नहीं। कांग्रेस दशकों से इस दोहरी बीमारी से ग्रस्त है, इसका अस्तित्व भारत की प्रगति के लिए हानिकारक है। इसलिए इस देश के हित में यह महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी को इस भूमि से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। जो किताब पढ़ रहे, ये किताब पढ़ रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस, जरा अभी आगे बोलिए, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। और जैसे जैसे ही हुआ तो वैसे कांग्रेस और CPIM हल्ला मचाने लगे, बेंच पे खड़े हो गए, दुनिया भर का हुड़दंग कि नहीं नहीं पहले नाम बताओ, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, किताब किसकी है, किसने लिखा है। तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा ठीक है। जॉर्ज ने कहा कि पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ इसमें है, लेकिन चूंकि कांग्रेस और CPIM के हमारे मित्र स्रोत जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और उसके बाद जो उन्होंने मनीष जी कहा, दर्शक जरा सोचिए कि कैसे जूते दाल बटती इनके यहाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जारी किया गया CPIM का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। अरे बाप उन्होंने कहा ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ये CPIM का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं, और इसी इसी 1996 के लोकसभा
चुनाव से ठीक पहले जो जारी किया गया था, और मनीष जी आगे जो उन्होंने कहा वो और गजब है। और इतना कहते एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब सीपीआईएम वाले कहे क्या क्या कहे, एकदम कांग्रेसियों के जैसे 200 जूते किसी ने मार दिए, 20 सब चौराहे पे, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बने तो वो डिबेट देखी थी मुझे याद था, मैंने निकाला इसको। तो अब बताता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस ने आगे जो कहा वो प्रिंट है, कि उन्होंने कहा कि क्या हुआ, चुप क्यों हो, आप चिल्ला रहे थे कि हम स्रोत जानना चाहते हैं, कि हम स्रोत जानना चाहते हैं, एक बार जब आपने स्रोत का नाम सुना तो आपकी भाव आवाजें शांत क्यों हो गई, शर्म आनी चाहिए आप पर, निश्चित रूप से आपको होना चाहिए शर्मिंदा, वाम पंथ के मेरे मित्र, या तो आप अपना स्वयं को अपना स्वयं का घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं, या आपको उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आता है, किसी भी मामले में आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया है जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मैं आपसे अपने भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह करता हूं। तो मनीष जी ये जो अंतिम पैरा, ये और महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा तुम अपना घोषणा पत्र तुम खुद नहीं पढ़ते हो और तुमको खुद नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा है। तो ये आखिरी वाला जो पैराग्राफ है जॉर्ज फर्नांडिस का, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आजकल घूम रहा है ना कि 1,00,000 रुपया औरतों को दे दूंगा, 1,00,000 रुपया बच्चों को दे दूंगा, ये खुद अपना इनको याद नहीं रहता चुनाव के बाद, ये कर क्या रहे हैं, इनका करना क्या है, ये अपना सौदा करना शुरू करते हैं। तो ये 1996 में जूते में दाल बटी थी, और केवल ये तो जॉर्ज फर्नांडिस का मैंने आपको बताया कि सदन के अंदर उन्होंने पढ़ा और काटो तो खून नहीं हो गया इनका। लेकिन इसी के साथ एक घटना और हुई थी मनीष जी, जब 1996 में अटल जी की सरकार गिर गई तो वो मोर्चा बना जैसे लोहे में मोर्चा लग जाता, कुछ लोग जंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मोर्चा लग गया, एक मोर्चा बना वो राजनीतिक मोर्चा, जिसके प्रधानमंत्री बने देवगौड़ा। और वो जब मनीष जी प्रधानमंत्री बने और जब शपथ ग्रहण हुआ राष्ट्रपति भवन में, और शपथ लेके जैसे ही बाहर निकले तो, क्योंकि बताया ना कई बार जूते में दाल बढ़ चुकी थी गठबंधन के नाम पे, तो मीडिया तब इस तरह का दिल्ली का नहीं हुआ करता था, ठीक ठाक मीडिया हुआ करता। उसने पूछा ये सरकार कई दिन चलेगी, और उसने पूछा उस सरकार के गृह मंत्री से जो थे सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता से जब पूछा कि ये सरकार कई दिन चलेगी तुम्हारी संयुक्त मोर्चा की, अतीत का इतिहास तो बड़ा वैसा है, तो इंद्रजीत गुप्ता ने जो जवाब दिया था वो अजब जवाब दिया था इंद्रजीत क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थन, जो कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी इस मोर्चा का, जिसने उनके बारे में सब लिखा था जो मैंने अभी सुनाया आपको। तो इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और अगर कांग्रेस ने इस समर्थन वापस लिया तो वो जूतों से मारी जाएगी। ये शपथ ग्रहण लेते ही पहला उनका सेंटेंस जो इंद्रजीत गुप्ता का था वो यही, जिसके समर्थन से सरकार चल रही थी उसको राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते ही इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि अगर समर्थन वापस लिया तो जूतों से मारी जाएगी। तो ये इस तरह से इनका, इनकी एकता का इतिहास इतना कलंकित, इतना सर्वनाश और इतना लांछित इतिहास है। तो ये आज ये उसी परंपरा पे चल रहे हैं। और जरा एक और पिछला याद दिला दूं कि जो जहां से गठबंधन एक तरह से केंद्र में शुरू हुआ वो 1977, जिसको बड़ी गाना गाते हैं जेपी आंदोलन और फलाना दिवाका और जनता पार्टी, और उसी से लालू उपजे थे, उसी से मुलायम उपजे थे, वो टूटा कैसे था, वो गठबंधन कैसे टूटा था, जगजीवन राम के लड़के का अपहरण हुआ, फिर उसकी नंगी करके फोटो खींची गई, फिर उस नंगी नंगी फोटो अखबारों में छपवाई गई, और ये कोई कांग्रेस ने नहीं कराया था, आपस ही में कर रहे थे इस एक दूसरे जैसे हाथ कर रहे। तो ये जूते में दाल बटने का ये इनको आनंद आता है कि चलो कई साल हो गए, 2-4 साल हो गए, चलो जूते में दाल बांटी जाए, तो पहले एकता करते हैं फिर जूते में दाल बटती है। आपने बहुत रोचक कहानी सुनाया, और आज लग रहा है जैसे कि जब आप अतीत को सुना रहे थे अटल जी के दौर की, तो आज दिख रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि केजरी का कांड भी ये सब मिल करके कर रहे हैं।